रोमा टर्मिनल से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज मेरा रोम का ट्रिप ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं रोमा टर्मिनी पे हूँ, जो कि रोम का वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन बोला जाता है। यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको जाना है रोम में, तो यहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा, बड़ा स्टेशन है। यहाँ से हम लोग स्पेशल ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि स्पेशल है। स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे एक स्कैनर है, तो हमको स्कैन से स्कैन करना पड़ेगा। लापल के अंदर छूटता हूँ, फर्स्ट टाइम कूदा हूँ। तो हम लोग अंदर चले हैं इसके, निर्वर्तन है। तो देख सकते हैं लगेज को यहाँ पे रखना है हम लोगों को। मिलान, रोम से मिलान का जो डिस्टेंस है वो 550 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। तो 550 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 3 घंटे में कवर कर रही है। तो आप लोग बताइएगा, मतलब ये 3 घंटे में फास्ट है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन 250 किलोमीटर एवरेज मेंटेन करता है स्पीड इसका। हाँ, तो 250 किलोमीटर घंटे स्पीड है इसका। और फिर यहाँ पे एक टेबल जैसा है, जो कि हम लोग लैपटॉप रख के, फिर जैसे मंजीत पिज़्ज़ा उसे लेकर आए तो पिज़्ज़ा रख के खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो अपने सीट को ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ। आप लोग देख रहे हो टीवी। और फिर यहाँ से हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम कम बेसी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टीवी चल रहा है, तो कुछ डाले मूवीज डाले हैं, तो इटली वालों को ही समझ में आएगा। और यहाँ पे हेडफोन डालने के लिए दिए हैं, तो ये लोग हेडफोन प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ये गलत बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पैर को रखने के लिए भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं डस्टबिन है, तो इसमें हम लोग जो भी कूड़ा करके डाल सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट लगा के और अपना मोबाइल लैपटॉप जो भी है वो हम लोग चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। 250 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग देख सकते हैं जो टीवी चल रहा है ना, उसका साउंड सुनने के लिए ईयरफोन लगाना पड़ता है अपने खुद का। और यहाँ पे इसका प्लग है, तो हम लोग आराम से इसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी मन करे हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो मंजीत काम कर रहा है कि नहीं, कि ऐसे सब काम कर रहा है? चलो अच्छी बात, मैं समझा दिखावे के लिए सिर्फ है। मैं समझ रहा था कि सिर्फ दिखावे के लिए है। नहीं,
नहीं, इसे काम भी कर रहा है, चलिए अच्छी बात है यहाँ पे। देखिए जो फाइनल जो ओवरऑल रिव्यू अगर लेकर आए हम इस ट्रेन की, जो फास्ट ट्रेन है, स्पीड वगैरह सब अच्छा है, लेकिन अभी भी जैसे स्पीड से चल रहा है कान में ऐसे ऐसे नहीं जब हाई स्पीड से चलता है, क्या बोलते हैं ये तो ऑफिशियल नाम नहीं बता, ऑफिशियल नाम जैसे याद नहीं, बट ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से इधर एक नर्व रहता है वो बंद हो जाता है, हाँ तो उसकी वजह से हमको कान में दर्द। तो हम लोग जैसे आप लोगों को दिखाया मैं 230-240 किलोमीटर पर आवर चल रहा है ट्रेन, तो ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर जो खाने की बात है तो एटलीस्ट इतना कह रहे क्योंकि नाश्ता है तो चाय पानी भी देना चाहिए, अगर कोई फॉरेनर आ रहा है या ट्रैवल कर रहा है तो एटलीस्ट कुछ देना चाहिए। अगर वही अपने इंडिया का रहता जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें सब कुछ मिलता है, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो पे, वही एक्सपेक्ट किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये वंदे भारत नहीं है, ये इटालियन। तो अपने भारत की बात ही कुछ और है। तो यही कुछ था, बाकी सब अच्छा है। जो मेन डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेन बात यही है, बाकी सब अच्छा है। और जो थोड़ा सा फीडबैक था मैं हम लोगों ने दे दिया, क्योंकि ऑफकोर्स फीडबैक देना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली मैं मंजीत को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मुझे भी इस फास्ट ट्रेन में घूमने का मौका मिल गया, और फिर इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया। तो थैंक यू मंजीत वंस अगेन। चलो फिर चलो, तो फाइनली हम लोग अभी उतर गए हैं, हम मिलान में एंटर करते हैं। फाइनली हम लोग मिलान आ चुके हैं, जो मिलान चेंट्राले है, ये मिलान का स्टेशन है, और यहाँ से हम लोग पूरा देख सकते हैं, और ये इसका फ्रंट से देख सकते हैं कैसा है, इतना डेंजरस लग रहा है मुझे, इसका शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग देख सकते हो। और इस बगल में एक यहाँ पर है हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक स्पीड वाला ट्रेन है, ये भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी एक और है, ऐसे लाइन से लगे हुए हैं स्पीड हम।